نعبد الله الله لا الله من الله الواحد خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ما جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون فإن الله غني لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضرا دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسيه ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني وعابدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هم الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب
صدق الله العلي العظيم. रहते हैं मक्के में नाजिल, जैसा कि आप सबको इल्म है कि मक्के के जितने भी सूरे हैं तमाम सूरे तो दीन की बुनियादी बातें का जिक्र और यहाँ तक अहकाम अकीदे मसाइल का ताल्लुक है, ये सब मदीने में नाजिल में कोई को नहीं आया। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, करो ज़कात दो के में जब तक पैगंबर रहे के में तो बुनियादी बातें थी, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की रिसालत, क़यामत या ख़ुद कुरान मजीद का अल्लाह की तरफ से होना, इन तमाम चीज़ों का बयान आपको के में मिलेगा। इरशाद होता है बनाम खुदा रहमान और रहीम, यानी अल्लाह ताला जो रहमान और रहीम है उसके नाम से। ये साहिब इज्जत और हिकमत खुदा की नाजिल हुई किताब है। कौन खुदा? जो साहिब इज्जत भी है और साहिब हिकमत भी। हमने आपकी तरफ इस किताब को हक के साथ नाजिल किया है, लिहाजा आप मुकम्मल इखलास के साथ खुदा की इबादत करें। आगाह हो जाओ, खालिस बंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। देखिए यहाँ के ऊपर इबादत का टोटली लफ्ज है, लेकिन वैसे ही नहीं है नमाज का लफ्ज कि तुम नमाज के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर जो इबादत से मुराद या जो हुक्म दिया जा रहा है वो हुक्म जो उस वक्त इबादत का तसव्वुर था, यानी बुतों के की पूजा करना और बुतों के सामने हाथ जोड़ना और बुतों के सामने सजदा करना, उससे हटके कि तुम मुकम्मल इखलास के साथ खुदा की इबादत करो। आगाह हो जाओ कि खालिस बंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए, और जिन लोगों ने उसके अलावा सरपरस्त बनाए हैं ये कहकर कि हम उनकी परस्तिश सिर्फ इसलिए करते हैं, यानी उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, तो लोग अल्लाह को छोड़ के बाकी चीज़ों को मानते हैं, कुछ दरख्तों को मानते हैं, जानवरों को मानते हैं, पौधों को मानते हैं, ये कहते हैं ये सब करीब करते हैं के जरिए से हमारे पर भी हो जाओ। दरमियान क्यों बना रहे आग पर लगा रहे वो अगर चाहे अपना आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया, वो रात को दिन पर लपेट देता है,
एक चीज होता है जाना और एक होता है लपेटना, जाने में और लपेटने में फर्क है। ये जो फर्श है मोकेट, एक तो ये है कि इसको उठा लो और एक है कि नहीं इसको लपेटो। ये उठाया नहीं जाता, लपेटा जाता है। अल्लाह कह रहा है कि हम रात को ले नहीं जाते हैं, रात को उठाते नहीं हैं, रात को लपेट देते हैं। लपेटी चीज लपेटा किस लिए जाता है? इसको फिर खोलना है, ये फिर वहीं से खुलेगा जहां से लपेटा खत्म करोगे, वहीं से फिर खुलेगा ये। लेकिन अगर उठा ली जाए तो वो नहीं मालूम कहाँ कौन सा कोना कहाँ पे होगा, कौन सी चीज कहाँ होगा। आप ऐसे ही लाके पटक दीजिए, ऐसे पूरा फर्श उठा लीजिए 10 आदमी मिलके, और फिर 10 आदमी लाके यहाँ पर रख दें, तो ये सही से रख ये जगह नहीं होगा। लेकिन अगर आप लपेट रहे हैं तो आप सीधे सीधे फिर खोल दीजिए। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह कह रहा है कि हम रात को दिन पर लपेट देते हैं, यानी जब दिन आने लगता है तो रात को क्या करते हैं, ये लपेट जाती है। और जब रात तमाम होने लगती है तो अल्लाह दिन को लपेट देता है और फिर वो खुल जाता है। अब यहाँ के ऊपर एक बहरहाल नुक्ता भी है, उसे भी आपकी खिदमत बयान करूंगा। और उसने आफ्ताब और महताब को ताबे बना दिया है, ये सब एक मुकर्ररा मुद्दत तक चलते रहेंगे। आगाह हो जाओ, वो सब पर गालिब और बहुत बख्शने वाला है। अब जो नुक्ता है वो भी सुन लीजिए। खुली हुई बात यह है कि दिन और रात किसी चादर या पर्दे का नाम नहीं तो लपेटा जाए। चादर लपेटी जाती है, फर्श लपेटा जाता है, लेकिन दिन और रात कोई पर्दा उतार तो है नहीं, कोई फर्श तो मोकेट तो है नहीं कि हाँ इसको लपेट दिया। और फिर एक दूसरे पर लपेटने का कोई सवाल नहीं। ये दर हकीकत इस नुक्ते की तरफ इशारा है कि जमीन शक्ल कुरे की तरीके से है और हरकत भी करती रहती है, तरीके से बॉल होती है। एक तो अब गुजराती में या और अगर जबान में कहा जाए तो एक गोल शक्ल में है ये, और ये हरकत करती रहती है। और इसको खुद कुरान ने देखिए यहाँ के ऊपर बयान किया है बाकायदा। दुनिया ने तो रिसर्च की है और तजिया किया है और पहुँचे हैं बहुत बाद में, और ईसाइयों में तो बाकायदा इस वक्त ये पहला नज़रिया कायम हुआ था तो जो उनके चर्च थे, जो उनके पादरी थे, उन्होंने कहा था कि ये काफिर हो गया, इसको मजहब से निकाल दो और इसको जला दो, इसको ये अल्लाह के खिलाफ बात कर रहा है ये। लेकिन हमारे यहाँ 1400 साल पहले ही ये बात कही गई थी कि नहीं दुनिया घूम रही है। तो ये खुली हुई बात है कि दिन और रात किसी चादर या पर्दे का नाम नहीं, इसे लपेट दिया जाए, इसे लपेट दिया जाए और फिर एक दूसरे पर लपेटने का कोई सवाल नहीं। ये दर हकीकत इस नुक्ते की तरफ इशारा है कि जमीन एक कुरे की शक्ल है और हरकत भी करती रहती है, और कुरवी चीज जब हरकत में आती है तो उसका खासा ये होता है उसका जो रुख एक वक्त किसी के मुकाबिल रहता है दूसरे वक्त के बिल्कुल बरअक्स हो जाता है। गेंद है, गेंद की खासियत ये होगी एक वक्त में का साया अगर इधर आया है तो दूसरे वक्त में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, एकदम बिल्कुल बरअक्स हो जाएगा। यही हाल जमीन और आफ्ताब का है कि जमीन अपनी गर्दिश की बिना पर, यानी जो चल रही है इसकी बिना पर, एक सिमत से हमेशा आफ्ताब के मुकाबिल में रहे। 24 घंटे जमीन एक सिमत से आफ्ताब के बिल्कुल सामने रहती है। अब जो सामना होगा वहां दिन होता चला जाता है, और जो सामने से हटती चली जाती वहां रात आती चली जाती है। अभी अभी और आगे सुनिए, सब कुछ हरकत कर रहा है। कुरान अल्लाह कह रहा है हर चीज हरकत कर रही है, हर चीज हरकत कर रही है। वो अपने दायरे में है, अब वो किस शक्ल में हरकत कर रहा है, हाँ उसका जो रुख एक वक्त किसी मुकाबिल में दूसरे वक्त उसके बरस हो जाता है। यही हाल जमीन और आफ्ताब का है कि जमीन अपनी गर्दिश की बिना पर एक सिमत से हमेशा आफ्ताब के मुकाबिल रहती है और दूसरी सिमत से उसके खिलाफ। और इस तरह मुकाबिल सिमत को दिन कहा जाता है और मुखालिफ सिमत को रात कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद इस हरकत का कहरी नतीजा ये होता है कि मुकाबिल मुखालिफ हो जाए और मुखालिफ मुकाबिल हो जाए।
जो सामने वाला है हो सकता है कि वो कभी सामने आ जाए, वो भी हरकत कर रहा है, वो भी गोल तो वो भी है, गोल ये भी है, हरकत वो भी कर रहा है, हरकत ये भी कर रही है, लेकिन इसका एक हिस्सा हमेशा उसके मुकाबले में रहेगा। अब बहुत ज्यादा तो इस इल्म के हम माहिर नहीं है, वरना आपको हम समझाते। स्कूलों में कॉलेजों में बाल रखी जाती है, एक छोटा बाल होता है उसके ऊपर बड़ा बाल, फिर बड़ा बाल, और उसको समझाते हैं कि देखो ये बड़ा बाल अगर ये घूमे तो ये कब ये छोटा बाल गायब होगा इसके अक्ष से। यही बिल्कुल जमीन और चांद की, उसकी सूरज की कैफियत होती है। इसके बाद इस हरकत का कहरी नतीजा ये होता है कि मुकाबिल मुखालिफ हो जाए, और मुखालिफ काबिल, गोया दिन की चादर लपेट दी जाए तो रात की चादर फैल जाए, और रात का पर्दा समेट दिया जाए तो दिन का नूर मुंतशिर हो जाए। आयत करीमा में जमीन के गोल होने और इसकी गर्दिश की तरफ बिल्कुल साफ इशारा पाया जाता है। अब इसके बाद उसने तुम सबको एक ही नफ्स से पैदा किया है, एक जान से एक नफ्स, और फिर उसी से उसका जोड़ा करार दिया। नान का जोड़ा हैवानों के लिए साथ नहीं रखा, नान का जोड़ा जिन्नातों में नहीं रखा, नान का जोड़ा इंसान से। और तुम्हारे लिए आठ किस्म के चौपाए नाजिल, चार पैरों वाले जानवर, आठ किस्म के चौपाए नाजिल किए। ये चौपाए वो हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हो, चौपाए से मतलब, वरना आप कहेंगे लीजिए तब आठ कहाँ, ये तो 800 किस्म के जानवर हैं, 8000 किस्म के जानवर हैं चार पैर वाले। ये आठ किस्म के चौपाए, ये आठ किस्म के चौपाए वो हैं कि जो इंसानों के अख्तियार में रहते हैं। मसलन ऊंट है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये जो चार पाए वाले जानवर हैं, घोड़ा है, ये सब आठ किस्म के जानवर इंसानों के अख्तियार में करार दिए, जिन पे इंसान सवारी करता है या बोझ होता है वगैरह वगैरह। वो तुमको तुम्हारी माओ के शिकम में तखलीक की मुख्तलिफ मंजिलों से गुजारता है, अरे माओ के पेटों में खिलकत के मुख्तलिफ मरहलों से गुजारता है। पहले मरहले में क्या है, पहले मरहले में क्या होता है, जी नुतफा होता है, नुतफा। फिर दूसरे मरहले में अलका, फिर तीसरे मरहले में मुजगा, फिर चौथे मरहले में इजाम, पांचवें मरहले में लहम, और फिर सातवें छठे मरहले में रूह आ जाती है। ये मरहले हैं, पहले मरहले में नुतफा होता है, फिर इस नुतफे का लोथड़ा बनता है, लोथड़ा समझते नहीं, कोश का लोथड़ा जैसे होता है, लोथड़ा होता है, फिर लोथड़े से इस पे हड्डियां आ जाती हैं, फिर हड्डियों के ऊपर फिर गोश्त आ जाता है, फिर गोश्त के ऊपर भी पोस्त आती खाल, फिर उसमें रूह दाखिल कर दी जाती है। ये मुख्तलिफ मरहले हैं इंसानों की खिलकत के, सुभान तेरी कुदरत। और ये सब कहाँ होता है, ये सब तारीकियों में होता है। कुरान कह रहा है कि ये सब अंधेरों में होता है, ये जितने काम है निहायत ही बारीकी से, खामोशी से, पर्दे में छुप के और अंधेरे में। आमतौर से ऐसी चीजें के लिए रोशनी बनाई जाती, इंसान बनाता है लेकिन क्या करता है, अगर रोशनी नहीं होती रोशनी लाता है ताकि कुछ खराब ना होने पाए, कुछ बिगड़ने ना पाए, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हम ये सब काम अंधेरों में करते हैं, ये सारी तस्वीरें हम अंधेरों में बना देते हैं। हकीकत अम्र ये है कि ये खालिक कायनात का कमाल है, वरना इंसान का जैसा हसीन नक्श और ऐसी तारीकियों में उभार देना, और वो भी कतरे आप पर जिसके नक्श को हमेशा गैर मुस्तकर और नक्श पर अपर अपुर आप कहा जाता है, सिर्फ परवरदिगार ही का कमाल है। दुनिया का कोई नक्काश तो सोच भी नहीं सकता कि तखलीक का क्या सवाल है। वही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी के कब्जे में मुल्क है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। फिर तुम किधर बहके चले जा रहे हो, अगर तुम काफिर भी हो जाओ तो खुदा तुमसे बेनियाज है,
بے نیاز کا مطلب کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے جانے دو, کافر ہو گیا جاؤ کافر ہو جاؤ, اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. بے نیاز کہتے ہیں جس کی ضرورت نہ ہو, اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے, اور اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے. اور کوئی شخص دوسروں کے گناہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے, کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. اور اسی آیت سے وہاں بھی بہک گئے, اسی آیت سے وہاں قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ بہک بھی جاتے ہیں, اسی آیت کو پڑھ کے وہاں بھی بہک گئے. کہانی فاتحہ نہ پڑھنا, قرآن کہہ رہا ہے کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, لہذا تم تھوڑے ہو تم پہنچے گا, تمہارا کیا ہوا, جو جس نے کیا ہے وہی اس کو اٹھائے گا, لہذا تم لاکھ فاتحہ بھیجا کرو لاکھ قرآن پڑھا کرو, اس کو کچھ ملنے ملانے والا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا, اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو تم کو ملے گا, اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ بیٹھ گئے, جبکہ یہاں کے اوپر یہ مراد نہیں ہے. یا اسی طریقے سے بعض افراد کبھی کچھ کسی کو روکیے ٹوکیے تو کہتا ہے تم ہماری قبر میں تھوڑے آؤ گے, یہی نظریہ ہے یہ کہ تم ہماری قبر میں تھوڑے آؤ گے, تم اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو, ہم تمہاری قبر میں نہیں آئیں گے, لیکن ہماری قبر میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو روکا کیوں نہیں تھا, تم نے اس کو ٹوکا کیوں نہیں تھا, تم نے اس کو منع کیوں نہیں کیا تھا. یقیناً ہم تمہاری قبر میں نہیں آئیں گے, لیکن خود ہم کو اپنی قبر تو دیکھنا ہے, ہم سے یہ سوال ہوگا, ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے روکا کیوں نہیں, تم نے منع کیوں نہیں کیا, تم نے ٹوکا کیوں نہیں. اور یہی چیز فاتحہ کے لیے, فاتحہ سورہ فاتحہ یا قرآن کی تلاوت یا باقی جو چاہنے والے کے لیے کار خیر کیا جاتا ہے, اس کا اپنا ثواب ہے, اس کا اپنا مقام ہے, اس کے لیے خود حدیثوں میں ذکر ہوا ہے, اس کے لیے قرآن میں بھی آپ کو مثالیں کی ملتی ہیں کہ جہاں کے اوپر آپ کو اس سال ثواب کے ذریعے بتائے گئے ہیں, اور کہ ہاں یہ چیز مثلاً مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو کسی کا بوجھ, کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے, اس کے بعد تم سب کی واپسی تمہارے پروردگار کی طرف ہے, پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے, وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ پروردگار کو آواز دیتا ہے. آج تحقیق حسین کو کمر میں درد ہوا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, درد اچھا ہو گیا, اب کہاں اللہ یاد آ رہا ہے, ہاں پھر آزاد ہو گیا, اور کیا, ذرا سا گلا پکڑا گیا, کوئی پرابلم آ گئی, اب معلوم ہوا کہ تسبیح بھی آ گئی اور سر پہ ٹوپی بھی آ گئی اور سر سجدے میں بھی آ گیا اور مجموعہ بھی آ گیا اور قرآن بھی آ گیا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اور ذرا سی پرابلم ختم ہوئی, اب نہ مجموعہ یاد آ رہا ہے, نہ قرآن یاد آ رہا ہے, نہ تسبیح یاد آ رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ پروردگار کو آواز دیتا ہے, پھر جب ہم اسے کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو جس بات کے لیے اس کو پکار رہا تھا اسے بالکل بھلا دیتا ہے, بالکل نظر انداز کر دیتا ہے, بالکل چھوڑ دیتا ہے, اور خدا کے لیے مثل قرار دے دیتا ہے. وہ دوسروں سے وہی جہاں پیسے پہلے وہ ادھر ادھر منہ مار رہا تھا پھر مارنے لگتا ہے. اور اس کا بہترین جو اداہرن دیکھنے کو ملتا ہے, جیسے کوئی زلزلہ جس وقت آتا ہے, یا انسان ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہو اور اس ہوائی جہاز کے سفر میں تھوڑا موسم خراب ہو جائے,
और ऐलान हो जाए कि आप लोग अपनी अपनी पेटियां बांध लीजिए, मौसम खराब है, और हवाई जहाज घड़घड़ 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 करने लगे ऊपर ही हवा में, तो अब जितने होते हैं चाहे आवाज आए या ना आए, अंदर ही अंदर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। और जैसे ही जमीन पे उतरा, अब ये अल्लाह याद नहीं आता उनको कि जिस अल्लाह को वहां याद कर रहे थे ऊपर, कि अल्लाह को फिर पुकार लें या उसका सजदा कर लें या उसके सामने खड़े हो जाएं। तो जब नेमत दे देता है तो जिस बात के लिए उसको पुकार रहा था उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है और खुदा के लिए मिस्ल करार दे देता है ताकि उसके रास्ते से बहका सके। तो आप कह दीजिए कि थोड़े दिनों अपने कुफ्र में ऐश कर लो, इसके बाद तो तुम यकीनन जहन्नम वालों में हो जाओगे। जितने भी दिन तुमको ऐश करना ऐश कर लो, ये ज्यादा जिंदगी थोड़े है, इसके बाद तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। क्योंकि फितरत जो है ना, फितरत की आवाज को इंसान दबा देता है, लेकिन जब मुश्किल आती है ना तो फितरत की आवाज को इंसान आसानी से सुनता है, और उस मौके के ऊपर वही अल्लाह ही को इंसान पुकारता है। अल्लाह ही को, छठे इमाम का जमाना था, और छठे इमाम के जमाने में एक नास्तिक इमाम की खिदमत में आया, एक नास्तिक आया इमाम की खिदमत में, और इमाम की खिदमत में आने के बाद कहता है कि ये बताइए कि अल्लाह है। इमाम ने फरमाया कि ये बताओ कि कभी तुमने दरिया का सफर किया है? अच्छा, इत्तेफाक ऐसा कि ये वाकया उसके साथ हो चुका था और इमाम को खबर थी इल्म इमामत से। इमाम ने फरमाया कि ये बताओ कभी तुमने दरिया का सफर किया है? कहा कि हाँ किया है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि दरिया के अंदर तुम्हारी कश्ती टूट गई हो? अब उसकी खुली कहा, ऐसा भी हुआ एक मरतबा कि दरिया के अंदर एकदम से पता चला कि वो कश्ती जो है वो पानी भर रहा है और वो टूट गई। जब टूटी तो तुमने किया क्या? एक तख्ते को पकड़े हुए थे और दिल किसी कुवत और ताकत से लौ लगाए हुए था कि कोई है जो अभी भी बचा लेगा। इमाम ने फरमाया कि जिसको तू कुवत कह रहा है, ताकत कह रहा है, वही अल्लाह है कि जिसकी तरफ तेरा दिल लगा हुआ था कि उस मौके के ऊपर भी तुझे कोई बचा लेगा। तू दुश्मनी में अल्लाह कह नहीं पा रहा है, वरना वही अल्लाह है कि जिसकी तरफ तेरा दिल लगा हुआ था। तो फितरत में अल्लाह ने अपने वजूद को रखा है कि इंसान की जबान के ऊपर कभी ना कभी आएगा ही आएगा, वो भले अल्लाह का नाम ना दे उसको, वो कहीं ईश्वर था, गॉड था, अल्लाह था, पावर था, ताकत थी, कुवत थी, कुछ भी। कह दीजिए, क्या वो शख्स जो रात की घड़ियों में सजदे और कयाम की हालत में खुदा की इबादत करता है और आखिरत का खौफ रखता है और अपने परवरदिगार की रहमत का उम्मीदवार है, कह दीजिए कि क्या वो लोग जो जानते हैं उनके बराबर हो जाएंगे जो नहीं जानते? इस बात से नसीहत सिर्फ साहिबान अक्ल हासिल करते हैं। अब यहां के ऊपर जो साहिबान ईमान की एक अलामत बयान की है, और कभी कभी ये चीज हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन महसूस करना चाहिए कि खुद में या साहिबान ईमान में भी सब एक दर्जे में नहीं है, और आखिरत में भी सब एक दर्जे में नहीं होंगे। कभी कभी ये होता है कि अरे ठीक है, चलो आखिरत में मौला बख्शवा लेंगे, बख्शवाएंगे फिर भी सब एक दर्जे में नहीं होंगे। शिफात करेंगे लेकिन उस शिफात के नतीजे में भी सब एक दर्जे में नहीं होंगे, सबके दर्जे अलग अलग हैं, वरना फिर अल्लाह की अदालत कहां गई? शफाअत ठीक अपनी जगह के ऊपर है, वरना फिर अल्लाह की अदालत कहां गई? एक इंसान बेचारा साहिब तकवा है, उसके अंदर ज़ोहद पाया जाता है, उसने अल्लाह से कुर्बत के लिए जहमतें उठाई हैं, तकलीफें गवारा की हैं, खुद अपने नफ्स से उसने लड़ाई की है, जंग की है, जिहाद किया है,
कभी उसकी नजर नामहरम पे नहीं गई, कभी उसकी जबान से झूठ नहीं निकला, कभी उसके कानों ने किसी की बुराई नहीं सुनी। एक वो इंसान जो मुस्तकिल इसमें रहता है, लेकिन अल्लाह को मानता है, रसूलुल्लाह को मानता है, अहले बैत को मानता है, आज़ादारी करता है, कभी कभी नमाज भी पढ़ लेता है, या हो सकता है हमेशा नमाज पढ़ता हो, लेकिन उसके बराबर नहीं है। तो यही चीज यहां के ऊपर अल्लाह बयान कर रहा है, क्या वो शख्स जो रात की घड़ियों में सजदा और कयाम की हालत में खुदा की इबादत करता है और आखिरत का खौफ रखता है और अपने परवरदिगार की रहमत का उम्मीदवार है, क्या उसके बराबर हो सकता है कि जो इसके बिल्कुल बरक्स हो। हकीकत अम्र ये है, साहिबान ईमान का कमाल ले किरदार ये है कि इबादत करते हुए ये दोहरे जज्बात अपने दिल में जरूर रखते हैं, आखिरत के अजाब से डरते भी रहते हैं और रहमत खुदा के उम्मीदवार भी होते हैं। मोमिन के लिए खुद रवायतों में है कि मोमिन वो होता है जिसके यहाँ दोनों चीजें पाई जाती हैं, एक तरफ से उसके यहाँ डर भी होता है और एक तरफ से उम्मीद भी होती है। डर इस बात का होता है, और खुद चौथे इमाम ने भी इसी तरफ इशारा किया है कि तुम कितनी ही नमाजें पढ़ लो, कितने ही रोजे रख लो, कितने ही हज कर लो, कितने ही पाक साफ जिंदगी गुजारो, लेकिन फिर भी डरो कि अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा। इसी के बरखिलाफ उम्मीद भी होती है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी ही गुनाहों में क्यों ना बसर हो जाए, लेकिन फिर भी उम्मीद रखो कि अल्लाह माफ कर दे। मोमिन वो होता है कि जहां के ऊपर दोनों चीजें होती हैं, उम्मीद भी होती है, डर भी होता है। एक तरफ उसके यहाँ उम्मीद है कि आखिरत के अजाब से डरते भी रहते हैं कि हम जो हमारी नमाजें उसके नेमतों के मुकाबले में कुछ नहीं है, हमारे रोजे, हमारी जिंदगी, हमने जो कुछ किया है उसकी नेमतों के मुकाबले में कुछ हमने नहीं किया है, उसके जितने एहसान आते हैं, लिहाजा पता नहीं अल्लाह हमारे ऊपर अजाब करेगा कि अल्लाह हमको बख्श देगा। और दूसरी तरफ रहमत खुदा के उम्मीदवार भी होते हैं, और इसीलिए ईमानी जिंदगी को बीम और रजा के दरमियान की जिंदगी कहा जाता है, यानी जहां एक तरफ खौफ होता है वही दूसरी तरफ उम्मीद होती है। इस जज्बे से दुनिया का कोई इंसान बेनियाज नहीं है, बस फर्क यह है कि बास अफराद में यह जज्बा अपने आमाल और गुनाहों की वजह से पैदा होता है और बास अफराद में कमाल मारिफत की और हुस्न किरदार की बिना पर पैदा होता है कि वो इस्मत किरदार के बावजूद मखरूर नहीं होते बल्कि अपने आप को एक बंदे परवरदिगार समझते हैं और उनमें बंदगी के सारे औसाफ पाए जाते हैं। इस चीज को समझा कि जो आखिर में बयान की मैंने बगैर तकल्लुफ, मैं और समझाऊं इसको, नहीं समझे? ये जो जुमला आखिर में मैंने कहा ये खुद जिंदगी बयान की है कि देखिए बाज अफराद वो होते हैं डरते हैं लेकिन अपने गुनाहों की वजह से, अल्लाह से डरते हैं लेकिन अपने गुनाहों की वजह से, गलतियों की वजह से कि यार हमारी इतनी गलती है, इतना गुनाह है, हमने वाजिबात अता नहीं किए हैं, कहीं जहन्नम में डाल दिया दिए जाए, कहीं जहन्नम में डाल ना दिए जाए। और कुछ वो होते हैं जो कमाले किरदार की बुनियाद पर, कमाले मारफत की बुनियाद पर अल्लाह से डरते हैं और उस कमाले किरदार और कमाले मारफत की बुनियाद पर जो चीज मैंने बताई थी कि जहां अपने को जब अल्लाह के मुकाबिल हकीर पाते हैं और उसको और उसकी नेमतों को बुजुर्ग पाते हैं तो फिर उस कमाल किरदार का तकाजा ये होता है कि उसके सामने जब हाजिर होते हैं अगरचे उनके दामन के ऊपर तरके औला का भी धब्बा नहीं है लेकिन फिर भी दुआए कुमैल में आके कहते हैं इलाही अना अब्दुका ज़लील अल हकीर अल मिस्कीन अल मुस्तकीन, कि माबूद मैं तो तेरा हकीर बंदा हूँ, तेरा मिस्कीन बंदा हूँ, तेरा मुस्तकीन बंदा हूँ। ये गुनाहों की वजह से नहीं है, ये कमाल मारिफत की बुनियाद पर है, ये कमाल किरदार की बुनियाद पर है, इनकी मारिफत उस मंजिल के ऊपर है कि जहां अपने को उसके मुकाबले में जब पाते हैं तो बहुत ही हकीर, बहुत छोटा, लिहाजा जबान के ऊपर ये जुमले आते हैं। कह दीजिए, और इसी तरीके से कह दीजिए कि क्या वो लोग जो जानते हैं उनके बराबर हो जाएंगे? जो नहीं जानते हैं इस बात से सिर्फ
साहिबान अक्ल ही नसीहत हासिल करते हैं। कह दीजिए कि ए मेरे ईमानदार बंदो, अपने परवरदिगार से डरो। जो लोग इस दारे दुनिया में नेकी करते हैं उनके लिए नेकी है, और अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, बस सब्र करने वाले ही वो हैं कि जिनको बेहिसाब अज्र दिया जाता है। बस ये आयत नंबर 10 सूरह जुमर की, यहीं पे आज बयान तमाम होता है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई सवाल है, मालूम करना है, तो बिस्मिल्लाह, आज वक्त है अपने पास 6-7 मिनट का। अभी आज मौलाना अकबर मेहदी साहब क़िबला जो ज़ियारत पे गए हुए हैं, तो बहरहाल उनका वक्त भी अपने पास है, और इसी वजह से इत्मीनान से मैं आपकी खिदमत में तफसीर और तर्जुमा पेश कर रहा था। क्या 6-7 मिनट हैं, तो अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो बिस्मिल्लाह बताइए, या कोई सवाल हो तो बिस्मिल्लाह। आन के वक्त पे टॉयलेट में जिक्र इलाही के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, और अल्लाह अकबर अल्लाह का जिक्र ही है। खुद टॉयलेट के लिए हुक्म है कि टॉयलेट में आप याद इलाही में रहो, जिक्र इलाही करो, देखो हमने जो गिज़ा खाई थी उसका हाल क्या हुआ है। एक दिन हमारा भी यही हाल हो जाएगा। इस तरीके से आज वो गिज़ा पहचानी नहीं जा रही है, हम भी एक दिन पहचाने नहीं जाएंगे। रवायतों में है कि आप जिक्र इलाही में रहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अजान हो रही है अल्लाह अकबर, कहाँ आप भी आहिस्ता से या मन में आपे अल्लाह। जी और कोई सवाल? जी अगर आपका सवाल है तो मैं आपसे सवाल करूं कुछ। चलिए, बहुत दिन से अगरचे कल की तारीख यानी 11 शाबान जनाब अली अकबर की एक रवायत से विलादत की तारीख, और ये जो शुहदाए करबला हैं, ये जो अंसार अबाबदिल्ला हैं, और जो औलाद अबाबदिल्ला के मैदान में काम, करबला के शहीदों में और करबला में जो इमाम के नासिर थे उनमें, और जो इमाम ज़माना के नासिर होंगे उनमें बहुत ज़्यादा मुमासिलत है, ताबेहत बहुत। जो इमाम ज़माना नासिरों की खसूसियत बयान की गई है, अगर आप इमाम ज़माना के नासिरों को देखें और करबला के जो इमाम हुसैन के नासिर थे इनको ऊपर नज़र करें, तो आपको बहुत ज़्यादा मुशाबहत नज़र आए, एक दूसरे से बहुत करीब थी। करबला में जो इमाम के नासिर थे उनके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो था ईमान, और दूसरी चीज़ थी खुलूस, और तीसरी चीज़ थी शुजात, और चौथी चीज़ थी सब्र, और पांचवी चीज़ थी इस्तकामत। पांच चीज़ें ये जो इमाम के असहाब थे करबला के मैदान में उनके अंदर पाई जाती। ईमान का भी उनके जवाब नहीं था, खुलूस का भी उनके जवाब नहीं था, शुजात का भी उनके जवाब नहीं था, और इसी के साथ जो के अंदर सब्र पाया जाता था उसका भी जवाब नहीं था, और जो इस्तकामत अड़कता का भी जवाब। इमाम ज़माना के जो नासिर होंगे उनके लिए भी यही खसूसियत है कि अव्वल तो उनके यहाँ ईमान होगा, जो इमाम ज़माना के नासिर होंगे उन नासिरों के यहाँ ईमान होगा। आमतौर से हम लोगों की ज़िंदगी जो है, हम लोगों की जो मालूमात है या अमल है वो बिल्कुल सतही है, बिल्कुल एकदम, और सतही का मतलब यानी बिल्कुल बस ऊपर वाला, और हम ज़्यादा गहराई में नहीं गए, और ज़्यादा गहराई में हम जाना चाहते हैं,
हम थोड़ा सा ईमान अगर वाकई है क्या, उस ईमान की गहराई में जाके हम भी अपने अंदर वो ईमान पैदा करें कि जो ईमान कर्बला में इमाम के नासिरों के अंदर था, ताकि हमारा भी शुमार कल इमाम जमाना के नासिरों में हो। अब और कभी कभी इसको हम जिंदगी में अपनी पर्सनल लाइफ में हम महसूस कर सकते हैं, इम्तिहान खुद ले सकते हैं कि अगर ऐसा वक्त आ जाए तो हम कहां खड़े होंगे जो कर्बला में था। ये पर्सनल आप सोच सकते हो, आप जाइए बिस्तर पर रात को खूब सोचिएगा कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा वक्त आ जाए तो हम कहां खड़े होंगे। पूरा लश्कर घेरे हुए है, सबको पता है कि मारे जाएंगे, और ऐसे आलम में इमाम सबको जमा करते हैं और जमा करने के बाद कहते हैं कि देखो ये लोग सिर्फ हमारे सर के तलबगार हैं और हमारी जान लेने के दर पे हैं और हमारा खून बहाना चाहते हैं, लिहाजा हम तुम सबसे अपनी बैत को उठाए लेता हूँ और देखो रास्ता खुला हुआ है, तुम लोग चले जाओ, और अगर तुमको शर्म आ रही देखो चराग खुल किए देता हूँ ताकि कोई चेहरा किसी का महसूस ना हो सके, कोई किसी को देख ना सके, लिहाजा तुम चले जाओ। ये ईमान की बुलंदी थी, ये किरदार की बुलंदी थी, जबकि इमाम हुसैन ने कहा था कि जन्नत का वादा मैं करता हूँ, अगर तुम ये डर रहे हो कि जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत का वादा भी करता हूँ, जन्नत में दिलाऊंगा, सरदार जमाना ने जन्नत मैं हूँ, जन्नत हम जैसे होते तो ये कहते कि जब जन्नत मिल रही है जन्नती के लिए सब कुछ तो कर रहे थे, कहता काहे अपनी जान खतरों में डालें, चलो ठीक है खुदा हाफिज, औला मिलेंगे जन्नत में। लेकिन ये करबला वालों का ईमान था कि ऐसे हालात और ऐसे हंगाम में जिस वक्त इमाम ने चराग को रोशन किया, एक भी फर्द उसमें से उठना तो दूर की बात और जाना तो दूर की बात, बल्कि यानी खुद इस बात पे नाराज हो रहे थे कि आपने क्यों कही ये बात, आपने ऐसा कहा क्यों, आपने ऐसा हमारे लिए समझा क्यों कि ऐसे वक्त में आपको हम छोड़ के चले जाएं। तो ये सब वो हालात होते हैं, चीजें होती हैं कि जिसको इंसान खुद तन्हाइयों में अपने तौर के ऊपर सोचे कि हम कहाँ खड़े हैं, अगर खुदा ना खास्ता ऐसे हालात हमारे सामने आ जाएं तो क्या होगा, कल इमाम जमाना सामने आए, ऐसी बात है कि मैंने जुम्मे में अर्ज किया था कि इमाम जमाना आएंगे तो कोई लड्डू पेड़े थोड़े बटेंगे, तो बहुत से लोग समझते हैं कि इमाम आएंगे तो लड्डू पेड़े बटेंगे, अरे लड्डू पेड़े बटेंगे लेकिन जब पूरी हुकूमत कायम हो जाएगी तब, शुरू में तो खून खराबा ही होगा, शुरू में तो जंग ही होगी, शुरू में तो लड़ाई ही होगी, शुरू में तो बाकायदा इमाम कयाम फरमाएंगे। अब कयाम फरमाने का मतलब क्या होता है कि जो भी रुकावटें उनको दूर करेंगे, जो मुखालफतें उनको ख़त्म करेंगे, इसके लिए हर किस्म का उनको अफराद चाहिए, हर किस्म के आलात चाहिए, हर किस्म का लश्कर चाहिए, और उसके साथ वो कयाम करेंगे। अब उन हालात में हम कहाँ होंगे, बस टाइम आज ख़त्म हो गया, सोचने के लिए यही एक सवाल आपके लिए और हमारे लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह आने वाले दरस में फिर अगर ज़िंदगी रही और वक्त और हालात रहे तो फिर आपकी खिदमत में, इंशाल्लाह अगर याद आया तो इसी मौजू को और आगे बढ़ाएंगे। उस पर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि माबूद हमारी इस मुख्तसर सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें इल्म और मारफत और अमल के जेवर से आरास्ता फरमा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा, मौला इमाम ज़माना अलैहि सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। आप हजरात से गुजारिश है कि एक सूरह हम की तिलावत फरमा कर इस दर्स में जो हजरात मौजूद हैं उनके मरहूमीन और वो तमाम उलमा और मराजे और मरहूमीन के जो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं उनकी अरवाह को बख्श दें। الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما